योग को एक आधुनिक स्वरूप में भी कह सकता है। और कभी कभी जो योगी नहीं कहलाते जाते लेकिन जिनके संस्कार चिंतन में योग होता है वो कैसे सोचते हैं, मुझे आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के शब्द, मैं मानता हूं एक राजनेता ने योग की परिभाषा कैसी कर सकता है इसका बड़ा उत्तम नमूना है। क्योंकि राजनेता है, राजनीति से जुड़ा है, चुनाव है, उठा पटक है, जय और पराजय है, उसमें से योग ढूंढने का काम कैसे होता है। अटल जी ने अपने काव्य में लिखा है, क्या हार में क्या जीत में, इंचित नहीं भयभीत में। अब बताइए योग की व्याख्या इससे बड़ी क्या होगी, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। मैं मानता हूं राजनीतिक जीवन को जीते जीते भी योग की अनुभूति की जा सकती है, योग का साक्षात्कार किया जा सकता है और योग का प्रगतिकरण भी किया जा सकता है। और तभी तो अंतर मन से हृदय की गहराई से आवाज निकलती है, क्या जीत में क्या हार में, तभी तो आवाज निकलती है, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। यही तो है जो योग हमें सिखाता है, योग हमें ले जाता है।